हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रजिया। आप सभी का स्वागत है कुक विथ रजिया पर। आज हम बनाएंगे ऑथेंटिक रेशमी कबाब। इसे हम रेशमी कबाब भी कहते हैं, चिकन मलाई टिक्का भी बोलते हैं, मलाई कबाब भी बोलते हैं, मुर्ग मलाई कबाब भी बोलते हैं। इन सब के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये एक ही रेसिपी है। और ट्रस्ट में दोस्तों, बहुत ही मज़े की बनती है। इसका टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और जूसी होता है। तो आइए देखते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को कैसे बनाते हैं, और मैं इस रेसिपी को बिल्कुल आप लोगों को ऑथेंटिक तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो ज़रूर से इसे ट्राई करें और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए देखते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। यहाँ पे हमने ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं और इसे हमने इस तरह से क्यूब के फॉर्म में कट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच खाने का तेल, हाफ टेबल स्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आधी छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर यानी कि वाइट पेपर पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच प्याज का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच पपीते का पेस्ट। यहाँ पे आप चाहो तो पपीते का पेस्ट नहीं है तो आप इसमें मीट टेंडराइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पपीता हर जगह पे आसानी से अवेलेबल रहता है तो आप पपीते का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। एक बड़ा चम्मच पिसा हुआ हरा मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हो, आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आधा कप दही और एक चौथाई कप हेवी क्रीम। अब हम इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाला इस्तेमाल नहीं होता है, बहुत ही बेसिक मसाले का यूज़ होता है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एकदम मुंह में डालो तो ये एकदम घुलने लगता है। जितने भी मसाले मैं यहाँ पर इस्तेमाल की हूँ, ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिखे हुए मिल जाएंगे। तब हम इसे चिकन में अच्छी तरह से मिलाएंगे। अब ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे क्लिंग फिल रैप से इस तरह से कवर कर लेंगे। आप चाहो तो इसे कोई भी नॉर्मल बर्तन से भी ढक सकते हो। अब हमने इसे अच्छी तरह से कवर कर लिया है। अब हम इसे कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। अगर आपके पास टाइम है या घर पे कोई पार्टी या फंक्शन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे कम से कम 1 दिन पहले आप इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ें। इससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी और भी ज़्यादा जूसी बनता है, मसाले इसके अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ें, अगर नहीं है तो कम से कम आप इसे 2 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रखें। अब हमारे चिकन को मैरिनेट हुए तकरीबन 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब इसके ऊपर जो क्लिंग फिल रैप है इसे हम उतार लेंगे। अब हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हो मैरिनेशन के बाद ये जो बैटर है कितना थिक हो गया है और ये चिकन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो रहा है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लें। और हमने यहाँ पे ग्लास में कुछ वुडन क्यूबर इस तरह से पानी में भिगो के रखे हैं ताकि ये नीचे से ना जले। अगर आपके पास इस तरह के क्यूबर नहीं है तो आप इसे सिंपली तवे में भी बना सकते हो। अब हम एक क्यूबर लेंगे और इसके अंदर इस तरह से हम चिकन लगा के अरेंज कर लेंगे। थोड़ा सा बीच बीच में इस तरह से गैप दें। अब हमने चिकन को इस तरह से स्क्यूबर में लगा लिया है। इसे एक एक करके हम प्लेट में रखते जाएंगे। बस ध्यान देना है आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और आपस में थोड़ा सा गैप कर करके आपको लगाना है। इसी तरह से सभी स्क्यूबर पे हम चिकन लगा लेंगे। अब आप देखिए, अब हमने सभी स्क्यूबर्स पे चिकन लगा के अरेंज कर दिए हैं। अब हमारी चिकन तैयार है।
अब हम इसे पकाने के लिए आप चाहो तो तंदूर का यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक अवन का यूज़ कर सकते हो, गैस स्टोव का यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ट्रेडिशनली इसे तंदूर में ही बनाया जाता है, लेकिन तंदूर हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता है, तो इसे हम गैस में बनाएंगे सेम वैसे ही टेक्सचर और वैसे ही टेस्ट के साथ में। तो गैस के लिए मैं इस तरह से गैस का जो ग्रिल वाला पैन आता है ये इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे सिंपली आप इसे तवे में भी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैन में थोड़ा सा बटर लगा के ग्रीस कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इसमें एक एक करके टिक्का डालेंगे। एक चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान देना है कि शुरू के आपको 1 से 2 मिनट इसे तेज़ आंच में पकाना है। इससे ये होगा कि चिकन से पानी नहीं निकलेगा। अगर आप इसे मीडियम या फिर धीमी आंच पे पकाओगे तो चिकन से बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ होगा। तो यहाँ पे हमने इसके मॉइस्चर को लॉक करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको शुरू के 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पे पकाने हैं। अब हमारी टिक्का वन साइड से कुक हो चुकी है, अब हम इसके साइड पलट लेंगे। साइड पलटने के बाद फिर से हम इसे 30 से 40 सेकंड तेज़ आंच में रखेंगे, उसके बाद इसे हम मीडियम फ्लेम में कुक कर लेंगे। अब आप देखिए, अब हमारी टिक्का दोनों ओर से अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इन्हें एक सर्विंग प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हो, अब यह हमारा ऑथेंटिक रेशमी कबाब या फिर चिकन मलाई कबाब सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ये जूसी बना है। एक पीस मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखाना चाहूँगी। ये आप देखिए, इसका लुक, इसका टेक्सचर बहुत ही गजब का है, बहुत ही मज़ेदार बना है। ज़रूर से आप इस रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें। इससे मेरे नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।